नमस्कार, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं एक नई सीरीज अवध कॉन्क्लेव। पिछले 3-4 महीने की मेहनत के बाद एक हम लोगों ने 15-16 फरवरी को लखनऊ में भारतेंदु नाट अकेडमी में 2 दिन का अवध कॉन्क्लेव किया। इसमें तमाम विषय थे, साहित्य से लेके कला, म्यूजिक, अंग्रेजी लिटरेचर, उर्दू पोइट्री, हिंदी की बात, अंग्रेजी के बाद सेना पे बात किया, कॉन्स्टिट्यूशन पे बात किया, मीडिया पे बात किया, बच्चों की बात हुई, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ की बात हुई, और ये 2 दिन का फेस्टिवल था। हम इसको द पब्लिक प्लेटफॉर्म पे एक अलग प्लेलिस्ट बना के उसमें सिलसिलेवार इसको दिखाएंगे। इसी का एक एपिसोड मैंने थर्ड आई में जो प्रशांत भूषण जी के साथ जो हमारी बातचीत हुई थी उसको मैंने लोड किया था। अब मैं अवध कॉन्क्लेव का एक एक करके जितने एपिसोड हुए हैं उसको आपके साथ शेयर करूंगा। पहला मतलब जो हमारा इनॉग्रल था, वो इनॉग्रल में 2 चीज़ें हुई। एक तो हमने कुछ स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन जो थे उनसे हमने उसको गणपति वंदना और नवरस करके उसको कार्यक्रम को शुरू किया। और जो कीनोट एड्रेस था वो हम लोगों को लगा कि कीनोट एड्रेस तो बहुत लोग करते हैं, कोई बहुत महान पुरुष करता है, कोई बहुत महान स्त्री करती हैं, लेकिन हमें ऐसा लगा कि क्यों ना इस बार एक किसी ट्रांसजेंडर किन्नर जो पढ़ा लिखा हो उससे हम लोग बात करें। और हम लोगों को एक बहुत ही उपयुक्त, बहुत ही पढ़े लिखी, बहुत ही जानकार और बहुत ही एक्टिव किन्नर के रूप में मिली लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी अब महामंडलेश्वर हो गई हैं। इनका थोड़ा बैकग्राउंड बता दें, जन्म तो था वो बम्बई में हुआ, इनकी पढ़ाई लिखाई बम्बई में हुई, मीठी बाई से इन्होंने ग्रेजुएशन किया और उसके बाद इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन भारतनाट्यम में किया, तो ये एक ट्रेंड डांसर भी थी। उसके बाद चूंकि ये किन्नर थी, घर में कुछ लोगों को पता था, कुछ लोगों को नहीं पता था, तो ये एक उस समय की एक शबीरा नाम की जो किन्नर थी उनके संपर्क में आई और उन्हीं के माध्यम से ये एक बार डांसर हो गई थी। डांस सीखी हुई थी तो इन्होंने बार में डांस करना शुरू कर दिया। तभी महाराष्ट्र सरकार की एक पॉलिसी आई और बम्बई में सारे बार में जो डांस वाला पोर्शन था वो बंद कर दिया गया। उस समय इन्होंने उनके हक के लिए काफ़ी धरना प्रदर्शन किया और एक तरह से एक्टिविज्म की दुनिया में ये वहाँ से आ गए। फिर इन्होंने अस्तित्व नाम की एक संस्था बनाई है और बहुत ही वाइडली ट्रेवल्ड हैं, दुनिया भर में घूमी हुई हैं। किन्नरों के हक की लड़ाई हर स्तर पर लड़ी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2014 में जो सुप्रीम कोर्ट का जब ऑर्डर आया उससे पहले इन लोगों के अस्तित्व को माना ही नहीं जाता था। 2014 का सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट आया और उसके बाद ऐसा एस्टिमेट है कि हिंदुस्तान में करीब 3 मिलियन मतलब करीब करीब 30 लाख किन्नर केवल हिंदुस्तान में हैं। उनको एक नाम मिला, उनको एक आइडेंटिटी मिली। इसके बाद लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी जी बड़ी स्टार हो गई हैं, टीवी स्क्रीन पे खूब आती हैं, बिग बॉस में इनके एंट्री हुई है। इनके बारे में 2 चीज़ें मैं आपको और स्पेसिफिक बताऊंगा। एक तो मुझे नहीं पता था, जिस जब आई तो पता लगा मैं और ये एक गांव के हैं, तो एक तरह से अगर उस रिश्ते से देखें तो मेरी बहन रहने लगेंगी। ये बांस गांव गोरखपुर की मूल निवासी हैं, जहाँ से इनका परिवार कुछ साल पहले बम्बई माइग्रेट कर गया था, लेकिन आज भी ये गोरखपुर बांस गांव से अपना संबंध रखती हैं। दूसरी एक बात इम्पॉर्टेंट ये है कि किन्नर के बारे में एक चीज़ और समझ लीजिए कि जैसे कुछ लोग अगर आप ट्रेन में देखें या चौराहे पे देखें तो कई जगह होते हैं फिर आशीर्वाद देते हैं, अगर आप पैसा दीजिए। कुछ लोग बहुत मानते हैं इसको कि भाई इनसे आशीर्वाद दे देना चाहिए। कथा यह है कि जब रामचंद्र जी वनवास जा रहे थे और पूरी अयोध्या उनके पीछे पीछे गई और एक स्थान पे आके उन्होंने अयोध्या वासियों से कहा कि अब तुम लौट जाओ, तो वो लोग लौट गए। लेकिन 14 वर्ष के वनवास समाप्त होने के बाद जब रामचंद्र जी वापस आए तो वहाँ पर उन्होंने उस व्यक्ति को देखा जो एक किन्नर था जो 14 वर्ष तक इनका इंतजार कर रहा था। उसकी भक्ति और तपस्या देख के श्री राम ने उनको ये आशीर्वाद दिया कि अगर आपको आज से आप जिसको आशीर्वाद दे देंगे, जो आशीर्वाद देंगे वो ज़रूर पूरा होगा, और साथ में भी दिया कि अगर कोई आपको तंग करेगा तो अगर आपने उसको कोई शाप या कुछ इस तरह का दे दिया तो वो भी पूरा होगा। तो इसीलिए हमारी जो परंपरा है, जब घर में नया बच्चा पैदा होता है तो ये आके आशीर्वाद देती हैं, इस तरह की बातें हैं। अब आप लक्ष्मी नारायण जी की बातों को सुनिए, कितनी विदुषी हैं और कितनी ठीक बातें कही हैं, इसको आप भी सुनिए। आते आते इतनी सुंदर प्रस्तुति थी और सच में हमसे भाग्यशाली हैं ये बच्चे जो इस दुनिया का कपट, छल और छलावे से बहुत दूर हैं। ये आत्मा सच में पुण्य है कि इस कलयुग में भी दे आर इन देयर ओन वर्ल्ड। और ज़ोरदार तालियां हो जाए फॉर द टीचर्स एंड देयर पेरेंट्स
माँ बाप जिन्होंने इतना मेहनत किया है बच्चों के ऊपर, थैंक यू सो मच. मुझे यहाँ बुलाने के लिए धन्यवाद. और अवध कॉन्क्लेव में जब अवध की बात आती है तो अवध के साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाती है, कल्चर, ट्रेडिशंस, म्यूजिक, डांस, अ हिस्ट्री विच इज़ सो बिग, अ हिस्ट्री विच इज़ रिटन, अ हिस्ट्री विच इज़ स्पोकन. तो देर आर मेनी टाइप, डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री एंड स्पोकन हिस्ट्री, तो दोनों हिस्ट्री है यहाँ अवध में. आज ऑर्गेनाइजर जी से जब मैंने पूछी कि मुझे क्या बात करना है, तो उन्होंने बोला आप हर एक चीज़ के ऊपर पहलू छुइएगा. पर बड़ी इंटरेस्टिंगली व्हेन आई ओपन द ब्रोशर एंड आई सॉ दैट डी कॉलोनाइजेशन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इन इंडिया, ये होना बहुत ज़रूरी है. मैं अभी भी ये कहती हूँ ना कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कितना कॉलोनियल है और हमारा ट्रू इंडियननेस आज तक भी हम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाए. हाउ सेफ आर वुमेन ऑन रोड्स, कभी कभी लोग बोलते हैं लक्ष्मी जी नाउ देर इज़ अ ट्रांसजेंडर एक्ट, देर इज़ अ कम्प्लीट पॉलिसी बन रही है ट्रांसजेंडर्स पे, तो अब तो आपको हक मिल गई है. तो मैं उनको पलट के यही कहती हूँ कि आज तक मेरी माँ, मेरी बहनों को उनकी सेफ्टी का हक नहीं मिला. वो अपने, अगर उनके साथ कुछ हो जाता है वो गुहार लगाती बैठ जाती हैं तो भी उनको हक नहीं मिलता. प्रूफ होने के बाद भी उनके पूरे फैमिली को ख़त्म कर दिया जाता है तो भी उन्हें अच्छे से हक नहीं मिलता. और निर्भया इज़ द बिगेस्ट एग्जाम्पल दैट इवन टुडे हर मदर इज़ क्राइंग टू गेट द राइट जस्टिस फॉर हर ओन daughter's soul. So what we will talk about safety in this country at present? यहाँ पे तो सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इतना बिगड़ते जा रहा है दिन पे दिन. दैट देखिए, मैं तो आचार्य महामंडलेश्वर बन गई, पर ट्रेडिशनली अगर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, आई एम एन एक्टिविस्ट. आई नेवर चूज टू बिकम एन रिलीजियस लीडर, नॉर इट वॉज इन माई, आई बिलीव आई डेंट इवन कम अक्रॉस टू कि मैं कभी एक दिन उठूंगी और मैं त्रिपाठी हूँ इसके लिए मैं धर्मगुरु बनूंगी. नॉट एट ऑल. मैं धर्म से बहुत दूर 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 तक थी. मेरी ऑटोबायोग्राफी है मैं हिजड़ा मैं लक्ष्मी, जो हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है. हिंदी में वाणी प्रकाशन ने पब्लिश की और इंग्लिश में व्हाट यू से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, एंड इट्स इन गुजराती एंड मराठी, इवन इन पंजाबी. एंड आई हैव टोल्ड इट वेरी क्लियर, आई एम वेरी outspoken, I am very blunt, I'm non-political, I don't even like politics, because once you are in politics, then the politics in this scenario is really very bad. Yahan pe jab influence of one over the other, I wish somebody would have influenced me, you know, now I could not see somebody like me, I only, yeah. So there are many things, and when today, in the state, the capital of the state which I'm standing, it happens to be my parents also state. I was born in Mumbai. मैं बम्बई महाराष्ट्र थाने के पास थाने में पैदा हुई. मेरे माता पिता गोरखपुर से थे. तो मेरी पैतृक मेरा जो खून है यहाँ का है, मीठे पानी का है. और मैं हमेशा कहती हूँ खून मेरा मीठे पानी का है, पर उस पर जो वो कहते करेला ऊपर से नीम चढ़ा हुआ, तो मैं खारे पानी में ज़्यादा पैदा हुई तो खारे पानी का टेस्ट ज़्यादा है. मेरी बोली बड़ी खारी लगती है लोगों को. सैड वेयर वी आर टेकिंग आर कंट्री, सैड वेयर वी आर, मतलब अभी मुझे रिसेंटली लोगों ने बोला आप आजकल के प्रेजेंट सिनारियो में लक्ष्मी जी कुछ बोलिए, तो मैं बोली प्रेजेंट सिनारियो में क्या बोलूँ. प्रेजेंट सिनारियो में जहाँ हमें अपने अपने भारतीय होने का प्रूफ देना पड़ता है, वहाँ तो ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी को तो पूरा समाप्त किया जाएगा, क्योंकि हमारे मैं शुक्र गुजार हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे रास्ते पे उठा के फेंका नहीं. तो टुडे आई हैव प्रूफ कि माय एंसेस्टर्स कम फ्रॉम गोरखपुर बासगांव भीता, एक गांव है वहाँ से मेरे पूर्वज हैं और मेरा ये लीनिएज है. पर मेरे 99% ऑफ माई कम्युनिटी, इफ दिस थिंग CA and NRC वुड कीप ऑन गोइंग,
तो हम सब डिटेंशन सेंटर में होंगे, जैसे आसाम में 2000 हमारे कम्युनिटी के लोग, क्योंकि उनके पास एक भी डॉक्यूमेंट नहीं होता है, बिकॉज दे आर थ्रोन आउट ऑफ देयर हाउसेस. एंड दैट्स सैड कि हम अपने ही बच्चों को, हम अपने बच्चों को घर से बाहर निकाल देते हैं क्योंकि सिर्फ उनकी लैंगिकता अलग होती है. इसी की लड़ाई हमने 1999 में शुरुआत करी. ऑफ कोर्स एचआईवी वाज दैट टाइम एन इशू एंड इवन टुडे आल्सो इट्स एन इशू. पूरी दुनिया घूमी. सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद हमने ये डिसाइड किया कि ऑफ कोर्स लेटेस्ट जो हम अगर हिंदू बच्चे हैं तो हमारा सनातन धर्म में हमें अपने आप को वापस स्थापित करना चाहिए. और वहाँ पे भी पुरुष प्रधान रिलीजन धर्म को भी इतना पुरुष प्रधान कर चुके हैं कि 13 अखाड़ों ने हमें तब भी एक्सेप्ट नहीं किया. जिंदगी चलती रही. प्रयागराज में आई वॉज सिटिंग विद अ प्रोफेसर ऑफ इलाहाबाद एंड प्रयागराज इन इटसेल्फ वाज इन हिस्ट्री कि हम जूना अखाड़े के साथ एग्रीमेंट में हुए. From 1999, where I started my work in the social sector, and today where I am standing, of course it's a journey one should be proud of, but at the same time I am really very sad, because what is being taught in the mainstream society, जो सिखाया जाता है, वो मेरा सनातन धर्म नहीं है. It has ruptured the essence of being Sanatani, being Hindu. It has ruptured the fabrication of the society, and that is the biggest sad thing. Because मुझे आज भी याद है कि मेरे डैडी के बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे, अभी भी हैं, हमारे फैमिली टाइज तो अभी भी हैं, खान अंकल. तो मुझे कभी ये नहीं लगा कि ईद मेरा नहीं है और दिवाली उनका नहीं है. और एक ही साथ में मेरे पेरेंट्स और खान अंकल और हम लोग एक, और वो भी ये चकिया चंदौली यहाँ बनारस के पास के गांव में रहते थे. हमारे घर में शादियाँ होती थी. तो और इफ़ यू ऑल नो, एक बात बताती हूँ आप लोगों को, मेरे बचपन में आई वॉज अ वेरी सिक चाइल्ड. आई वॉज एस्मेटिक, सीवियर एस्मेटिक. और मेरे डैडी और खान अंकल एक साथ में ही काम करते थे. तो मोर देन माई ओन फादर टेकिंग मी टू डॉक्टर्स, खान अंकल यूज टू टेक मी टू एवरी डॉक्टर एंड एवरी थिंग. ही हैज 7 चिल्ड्रंस. And today how we are dividing in the name of religion, in the name of caste, in the name of color, in the name of gender. There is no sense where we are building our own country. And jo chup rehta hai wo samajhta ki it is not going to affect me, we are elite. We have the power of money is with us now. Of course it will affect the soul. When it will affect the soul of our country, it will affect everything. It's good, you know, sometimes it's good to be very patriotic about your own religion, about your own culture. Of course our culture is very big. I belong to millions and millions and millions of old years of cultures which our forefathers really bestowed on us. But wo culture humne kabhi bahar nahi nikala. हम आज भी बड़े कॉलोनियल रह गए. और आज की भी पॉलिटिकल सिचुएशन में अगर हम देखने जाए, इट्स कॉलोनाइजेशन इज टोटली अप ऑन योर फेस, इट कैन बी सीन. अवध कॉन्क्लेव हैज रियली ब्यूटिफुल टॉपिक्स एंड आई रियली गिव एक जोरदार हाथ हो जाए जो ऑर्गेनाइजर्स ने ना, जो ये इतना Like I hate cricket, so you know. Thank you to tell you, I literally hate cricket. One of my boyfriends, I left him because he was cricket maniac. Yeah, I said no, this is not happening in my life. You know, no, this man is running behind when ball is not done in my life. Yeah, man, this is so unromantic stuff. So this, no. So this was. Yeah, actually, in my life it has happened. I have written one more book, The Red Lipstick Men in My Life. Yeah, about all the men. I never had a man with a band on his head, but yeah. And journey from Ram Raj to Ganga Jamuni Tehzeeb. I'm happy. Somebody asked me, you know, 28th of November 2018. Somebody asked me suddenly, ki Lakshmi ji, I'm Acharya Mahamandaleshwar Kinnar Akhada, so Alopi Bag Shankar Acharya Ashram mein mujhe khade hoke. Nahin, nahin, itne kamzor pair nahin hai. I'm postgraduate in Bharatanatyam and hi.
So, I thank you for caring. I'm really not. I was really sick. Till last evening, I was really sick. So, So somebody on 28th November 2018 evening at Alopi Bagh Shankaracharya Ashram asked me, Lakshmi ji, aapka kya kehna hai Ram Mandir ke upar? So I said, of course, I'm Acharya Mahamandaleshwar Kinnar Akhada. I said, jahan Prabhu Ram paida huwe, wahan mandir ban jana chahiye. Wherever you prove anybody. And for that, I suddenly, from being very liberal, thought Lakshmi, and you know, suddenly the entire country activist stood up against me and said, no, she's become chameleon and what not. She's right wing now. Kya kehte hai mujhe? RSS ki beti aur BJP ki bahu. But the husband was not noted over there, you know. So I got these big, big letters on me. Say, I said, hallelujah, you know, whatever it happens. Somebody asked me. So I just said it, what I felt. Where he was born, make temple over there, not a big issue. And today there is everything. You have a court justice, but still politics is on. Still the political parties are not willing to do anything because I don't understand. For me, my God is in my heart. I may build a temple of platinum, but if there is nothing divinity in there, what I will do with that? And what is Ganga Jamuni Tehzeeb? My Ganga Jamuni Tehzeeb is like the 6 meters of sari which I'm wearing. This is, I believe, yes, Banarsi. And it must be woven in some Muslim family. And I'm Acharya Mahamandaleshwar, Sanatan Dharma's, the second biggest position one could wear it. And I'm wearing it. So this is my tehzeeb. Nobody will question, no, ki ye kiske ghar mein se ban ke aayi. Ki wo non-vegetarian tha, ki vegetarian tha, hai na? Nobody asks me that. Nobody will ask your Pashmina shawl also, who made it. But we all know it comes from Kashmir. And still, people who wear these beautiful Pashminas across, and then they have this big mouth to speak about others. Oh God, I love you, you understand everything. Yes, we all do understand. Life is all about accepting. Life is all about giving. Life is, I always say, one thing which in my life I have always, I take the liberty to walk also. I always say one biggest thing is that one has to be comfortable in one's skin. And we should learn the art of loving ourselves. Like, many people have heard me on YouTube, many places. And I always say this, that you have to have that art of loving yourself, and especially girls. If we love ourselves, then only we can love others. And if we can love ourselves, we can save our dignity. I always say, you know, because I was not very big fan of anyone, you know, because I make my own margins. I don't allow the society to create, you know, moralistic margins for me, no. I don't want any other Lakshman to stand up and keep one line, you know, and say that you are not supposed to step out, no. My dignity, I know to take care. No, I don't allow the society to judge me on the morality. If you don't like, don't talk to me. You may not like my lipstick, please close your eyes. Yeah, it's bloody MAC. I pay a hell lot of price out of it. Yeah, it's red but red. Yeah, because it is my choices. And that's how I became a duck in my life. You know why duck? Duck, if you throw a lot of water on duck, not even a single drop of water will stay on its body. It will just trickle down. And it's necessary. It's necessary that we have apne. हम बुद्धि जीव हैं, हमारे पास हम मनुष्य हैं, हमारे सोचने का विवेक है, हमारे पास सोचने की एक सुंदर सा मस्तिष्क ब्रेन दिया है प्रभु ने, और उसके लिए why should be overpowered by any kind of, you know, bloody advertisement, any kind of pushing of same message on our faces left, right and center, which is not right. Google Baba is never right always.
Facebook doesn't give you the right news maximum times. Instead, like fools, we keep doing, you know, the same thing. I really give hats off to the women of Delhi, you know. For the first time, and from this stage, I'm non-political again, I'm telling you. It doesn't matter to me for BJP or Congress or Aam Aadmi Party or Shiv Sena. I was born in the city, Thane, which is considered to be the fort of Shiv Sena. Shiv Sena never loses in my city. But still, education is the biggest thing. I believe Delhi government, what came up with Aam Aadmi Party, I really thank that CM that he thought of the future of this country. For me today, aaj main aapke samne manch pe iske liye ki mere maa baap ne mere andar invest kiya. Main kinnar thi, main school se ek saadiyan pehenna shuru kar di thi, main hijro mein jaake chela ho gayi, par mere maa baap ne kabhi apna ghar nahi band kiya. Ulte mere father said when my mother, main abhi shocked yaar, Gorakhpur ke chote se gaon se ek insaan aur ek aurat hai wahin se aaye hue, and typical staunch Brahmin. And for them, accepting a child like me is meri journey se bada to unke journey hai na. What they must have gone through. Now I'm 40. And I'm talking in my sweet 16s and 17s when I had become a big drama queen of my life, you know. The whole city knew me. And then also my parents accepted me. So what earns bread is not education, is knowledge. But education gives you that platform to acquire the right knowledge. I'm graduated in commerce, but nothing happened. I don't even remember what I studied in commerce. I'm postgraduate in Bharatanatyam. Of course, I was a performer, I danced. But what remained with me is that ability to read and get the right knowledge for my every work which I did. Whether it was social sector, whether it was religion. In religion also. Where I come from, of course, it's a vast, it's like an ocean. But I read it for my own benefit. I come from an Orthodox family. My parents accepted me, but the larger family could never do that. So I studied the religion for my own benefit, not for anything else. And by mistake today, I'm Acharya Mahamandaleshwar of Kinnar Akhada. That is also, everything is an irony in life. But slowly and slowly, one thing I would really want to say is that we have to stand for ourselves. We have to stand for our neighbors. We have to stand for our own society. Because there is one group of people who will always pose threat to this Ganga Jamuni Tehzeeb, which our ancestors had possessed and were proud of. Today, I don't know where did I start and where I'm ending. But one thing surely, which will make a complete difference. I wish I would have brought my dress and performed a small mujra at the Awadh Conclave, because that is also one kind of art of Awadh. And I really love, you know, wo kaun sa ek gaana tha, main to bhool hi gayi. Akhiyan taras gaye ab huna aaye balam. Something, you know, I forgot. But still, I had learnt in my school time, and it was from Lucknow Gharana something. And what would I else say? I would only say one thing is that love yourself. And love yourself so much that you're comfortable within your own skin. And life, see, there is once somebody told me that, Lakshmi, what do you think about your life? I said, my life is a festival. It's full of colors. Of course, sometimes 50 shades of gray may also jump in, but that is also colors, you know? But one thing will never change, the red lipstick on my lip and the smile which I possess. Thank you so much for calling me here. Jai Shri Mahakal. Have 2 days of fruitful conclave. Jai Mahakal.